हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीए ऑनलाइन क्लास क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर स्टार्ट चैप्टर 7। हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे द कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में रिलेशनशिप। तो जनरल इक्वेशन में थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ टॉपिक। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। टू जीरोस हम इसके अज्यूम करते हैं बिकॉज डिग्री हमारे पास टू है, तो इसके टू जीरोस फाइंड होंगे। सपोज वन इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो हमने इसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड किया था। अब देखिए ये कोफिशिएंट होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस चीज को आपको समझना है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो नंबर होते हैं हमारे पास उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं और जो सिंगल होता है उसे हम कांस्टेंट। हियर ए कोफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी क्या है, कांस्टेंट। और टू जीरोस हमने अज्यूम कर लिए, वन इज अल्फा एंड वन इज सेकंड इज बीटा। तो ये एक्स के इक्वल आ गया, एक्स इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इक्वल टू बीटा। वन जीरो इज अल्फा एंड सेकंड जीरो इज बीटा। तो इसके बाद सम ऑफ जीरोस, इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास और सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास अल्फा इनटू बीटा, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए। ये हमने लास्ट पीरियड में आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन। तो ये हमारे पास जीरोज हो गए अल्फा एंड बीटा और बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए, ये हमारे पास कोफिशिएंट है। तो ये आ गया हमारे पास कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में रिलेशनशिप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इक्वेशन है हमारे पास। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा रिलेशनशिप फाइंड करना, तो ये दो इक्वेशन को आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। किसके अकॉर्डिंग, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के। अब देखिए इसी बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके हमारे पास जीरोस फाइंड करने, जीरोस फाइंड करने के लिए गिवन पॉलीनोमियल किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए स्प्लिट द मिडिल टर्म्स मेथड यूज करेंगे इसमें। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये तो पहले से ऑलरेडी डिक्रीजिंग पावर में अरेंज है, तो इसको अरेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास है नहीं। देखिए टू पावर वेरिएबल की टू, फिर वेरिएबल की पावर वन, फिर वेरिएबल की पावर जीरो, डिक्रीजिंग पावर के अकॉर्डिंग ऑलरेडी अरेंज है। तो फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू माइनस एट ए स्क्वायर, माइनस एट एक्स स्क्वायर आया हमारे पास। मिडिल टर्म्स हमारे पास माइनस टू एक्स, इसके टू पार्ट्स ऐसे करेंगे कि प्लस माइनस करने पर तो माइनस टू एक्स है, जिससे और मल्टीप्लाई करने पर क्या है हमारे पास, माइनस एट एक्स स्क्वायर। तो हमने अज्यूम किया फोर एंड टू और इसके साथ क्या लग रहा है, एक्स एक्स। अब हमें साइन यूज करना है, हमें रिजल्ट क्या चाहिए, माइनस टू, इट मीन्स बड़ी वाली डिजिट के साथ तो माइनस का साइन और छोटी वाली जो डिजिट है उसके साथ प्लस का साइन। जब देखिए माइनस करिए, हम फोर एक्स में से टू एक्स माइनस करेंगे, टू एक्स बड़ी वाली डिजिट नेगेटिव है इसलिए माइनस का टू एक्स। मल्टीप्लाई करिए, माइनस प्लस माइनस होता है, फोर टू ज़ा एट, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये दो टुकड़े हमारे पास है, टू पार्ट्स, इसको हम अरेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। इसलिए हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म, क्योंकि जो मिडिल टर्म है उसको हमने स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन करके हमने इसको राइट किया, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब देखिए पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक्स कॉमन आ रहा है। अब जो चीज कॉमन आती है उसी को हम डिवाइड करके अंदर या रिमेनिंग पार्ट राइट कर देंगे। एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड किया तो एक्स बचा, माइनस 4x में x का डिवाइड किया, x से x कैंसिल, 4 ब्रैकेट क्लोज। इस पेयर में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 प्लस 2, जो चीज कॉमन लेते हो उसी का डिवाइड करके रिमेनिंग पार्ट ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होगा। 2x में 2 का डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस का साइन,
8 में 2 का डिवाइड किया 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस फोर दोनों में कॉमन है, x माइनस फोर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों चीज जीरो के इक्वल है तो इट मीन सेपरेट भी जीरो के इक्वल होगा, x माइनस फोर इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस फोर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू प्लस 2 के इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2। तो हमारे पास टू जीरो आए 4 एंड माइनस 2, एक को हमने अल्फा बोल दिया और सेकेंड को हमने बीटा बोल दिया टू जीरोस के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद जीरोस फाइंड करने के बाद हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है इन दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हमें ये याद होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा रिलेशनशिप। देखिए अब कैसे फाइंड करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरो हमारे पास अल्फा बीटा और कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, देखिए कोएफिशिएंट को कंपैरिजन करेंगे हम जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से गिवन इक्वेशन को कंपैरिजन करके वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई में यहाँ पर ए, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 1, तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी 1। एक्स का मल्टीप्लाई बी ए, यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 2 है तो बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास माइनस 2। जस्ट कंपेरिजन करना है सी, वैल्यू ऑफ सी डायरेक्टली क्या है माइनस 8 थी, तो कोफिशियंट हमारे पास यह है, हमारे पास कोफिशियंट एंड कॉन्स्टेंट कंपेरिजन करें। अब देखिए टू इक्वेशन का यूज करिए, फर्स्ट इक्वेशन एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन, तो हम इसको यूज करते हैं। वैल्यू ऑफ एल्फा हमारे पास क्या है 4 एंड प्लस वैल्यू ऑफ बीटा क्या है हमारे पास माइनस 2 इक्वल टू माइनस वैल्यू ऑफ बी क्या है हमारे पास देखिए वैल्यू उसके अकॉर्डिंग माइनस 2 एंड वैल्यू ऑफ ए क्या है हमारे पास 1। चेक करते हैं 4 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अपॉन में 1, 4 में से 2 माइनस किया तो यह 2 इक्वल टू 2। अब देखिए LHS इक्वल टू RHS, तो फर्स्ट तो हमारे पास कंपेयर हो गया, सेकंड हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, सेकंड इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C अपॉन A के इक्वल है या नहीं है, तो देखिए चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है माइनस 2, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 वैल्यू ऑफ C क्या है हमारे पास माइनस 8 वैल्यू ऑफ ए 1। चेक करते हैं हम प्लस माइनस माइनस होता है 4 टू द 8 और माइनस 8 अपॉन 1 मीन्स माइनस 8 इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारे पास हो गया वेरीफाइड कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस के बीच में जो रिलेशन है दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, तो हमारी ये हो गया वेरीफाइड कंप्लीट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। 2.2 एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन और भी है तो आपको करने चाहिए।